हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो काउंसिलिंग प्रक्रिया जो 2400 जिलों में चल रही थी, उसका मैंने बिग अपडेट किया था। प्रायः 2400 जिला का काउंसिलिंग प्रोसेस का मैंने अपडेट किया था। तो उसी क्रम में देखिए, अब काउंसिलिंग प्रोसेस एक तारीख यानी 1 अगस्त शुरू हो गई है। उसकी अंतिम चरण अब 7 अगस्त तक चलेगी, यानी 7 अगस्त तक फाइनल लिस्ट बन जाएगा। तो उसी क्रम में काउंसिलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी और के बारे में भी अपडेट कर रहा हूँ अब। तो ये अपडेट अब एक एक करके प्रत्येक जिला का करूँगा, उसमें चतरा जिला। तो देखते हैं चतरा जिला में कितने अभ्यर्थी भाग लिए और कितना का नियुक्ति होगा, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर नए हैं तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहे, ताकि आप लोग को यहाँ के बारे में टोटल A to Z जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ शिक्षक नियुक्ति काउंसिलिंग में चतरा जिला के 295 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो इसको मैंने भी इसका काउंसलिंग का अपडेट भी किया था। तो इसका जो है टोटल सीट कितना था, इसके बारे में आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगा। 2400 जिला के बारे में हमको सब जो किया था, 2400 जिलों के मेरे पास है रिकॉर्ड, और ऐसे भी वेबसाइट में रिकॉर्ड है, मतलब अपलोड है। तो देखते हैं चतरा जिला का। चतरा जिला में देखिए 1 to 5 पारा में टोटल 40 पोस्ट खाली था 2015 2019 नियुक्त होने के बाद। उसके बाद गैर पारा में 30 पोस्ट, यानी टोटल PRT में 1 to 5 में 70 पोस्ट खाली। उसके बाद TGT में पारा में 6 और नॉन पारा में 12, टोटल 18, यानी इधर 18 और उधर 70, 70 और 18 टोटल 88 हुआ। यानी चतरा जिला में टोटल 88 पद खाली है। तो जो नियुक्ति पहले का नियुक्ति होने के बाद, तो उसमें से उसके विरुद्ध देखिए 295 अभ्यर्थी हिस्सा लिए हैं। अब 98 का नियुक्ति होगा। अब जानते हैं 95 अभ्यर्थी के बारे में। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 1 अगस्त को काउंसिलिंग का आयोजन किया गया, पूरे झारखंड में चालू हुआ था। और इसी क्रम में देखते हैं कि 4-5 जिला छोड़ के सब लेट अपडेट किए थे, एकदम किसी का वेबसाइट में मिल ही नहीं रहा था। खोज खोज के कंटेंट भी परेशान थे, कमेंट भी आ रहा था, और था ही अपलोड ही नहीं था, तो मुझे भी नहीं मिल रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। यह काउंसलिंग गुरुवार को लगभग 1 बजे रात्रि तक चला। अच्छा, काउंसलिंग रात तक चला, कोई बात नहीं। इस काउंसलिंग में 295 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय में शिक्षकों द्वारा LPA संख्या 203/2022 के संबंध में पारित आदेश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर जिला द्वारा प्रथम विज्ञापित पद के विरुद्ध 3 जून 2019 तक की अंतिम काउंसिलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात अवशेष रह गए शिक्षकों के पदों पर काउंसिलिंग कर शिक्षकों का चयन की कार्रवाई पूर्ण किया जाना था। न्यायालय के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक, यहाँ है राशि प्रकाश सिंह, लेकिन गलत है, शशि प्रकाश सिंह होगा, शशि प्रकाश सिंह नाम है उनका, द्वारा सभी DC और जिला शिक्षा अधीक्षक विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28 फरवरी 2024 को पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के आलोक में नियुक्ति के लिए शेष रह गए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 जून 2024 को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विज्ञापन प्रकाशन किया गया था। वहीं जिसमें 22 जून से 27 जुलाई तक आवेदन करने की तिथि एवं 23 जुलाई से 31 जुलाई प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करने एवं 1 अगस्त 2024 का काउंसिलिंग की तिथि तथा 7 अगस्त 2024 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन की तिथि निर्धारित है। 7 अगस्त को अंतिम चयन का प्रकाशन हो जाएगा। तो 295 अभ्यर्थी जो शामिल हुए, इन लोगों का सर्टिफिकेट जांच होगा, उसके बाद मेरिट फिर बनेगा। शामिल तो इतना हुए, उसमें देखिएगा मेरिट के आधार पर जिसका होगा उसमें से 88 होगा, 70 आपका होगा PRT में यानी 1 to 5 में, और 18 होगा TGT में यानी 6 to 8 में। और उन्हें फिर नियुक्ति पत्र मिलेगी। पहले तो 7 तारीख तक सभी जिला, झारखंड का 2400 जिला जारी कर देंगे सूची, जिनका जिनका हो जाएगा, फिर जिनका जिनका हो जाएगा उनको फिर लेटर मिलेगा, फिर अपना योगदान करेंगे। और इस तरह शिक्षक हम नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। तो नए नए अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए, 2400 जिलों का मैं अपडेट इसी तरह देते रहूँगा, और प्रत्येक का अपडेट आप लोग लेते रहिए। तो जोहार झारखंड, जय हिंद।